तो आज की हमारी इस ऑनलाइन क्लास में हम डिस्कस करने जा रहे हैं फॉर्मेट जी। हम फॉर्मेट ट्रिक्स के बारे में हम बात करेंगे। जब भी हम कोई डैशबोर्ड बनाते हैं तो उस डैशबोर्ड में सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है फॉर्मेटिंग। जब तक हम रिपोर्ट को अच्छी ढंग से फॉर्मेट ना करेंगे वो फॉर्मेट नहीं कहलाता है। जैसे कि केक पे जब तक डेकोरेशन ना हो, नाम ना लिखा जाए, थोड़ा सा फूल वूल ना आ जाए, तब तक वो केक अट्रैक्टिव अच्छा नहीं कहलाता, स्वाद में बेहतर क्यों ना हो। उसी तरह से रिपोर्ट कितना भी यूजफुल क्यों ना हो, इम्पोर्टेंट क्यों ना हो, अगर आपकी फॉर्मेटिंग अच्छी नहीं है। फॉर्मेटिंग क्या करती है? सिर्फ फॉर्मेटिंग दिखावे के लिए नहीं होती है, फॉर्मेटिंग अंडरस्टैंड भी करती है, इजी टू अंडरस्टैंड करती है आपकी रिपोर्ट को, इजीली समझ में आ जाए कलरिंग से और कैटेगरी से, इसलिए फॉर्मेटिंग अप्लाई की जाती है। तो फॉर्मेट में तो नॉर्मल कलर वलर होता है, वो चीज़ें तो है, लेकिन कुछ फॉर्मेट की ट्रिक्स है जो कि मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोगों को ना आता होगा। आज की क्लास में हम उसी चीज को आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो चलिए मैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन देता हूं और अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पे हम फॉर्मेटिंग शुरू करते हैं। अगर आप गूगल पे जाके अगर डैशबोर्ड या रिपोर्ट सर्च करेंगे इमेज में, तो आपको वहां पे बहुत सारे रिपोर्ट्स की इमेज आ जाएंगे। अगर मान लीजिए मैं यहाँ पे रिपोर्ट सर्च करता हूं, तो रिपोर्ट में आप देखेंगे कि आपके पास बहुत सारे आ जाता है। ये हैंग हो गया लग रहा है, यहां इमेज, ये तो रिपोर्ट आ गई अलग, यहां पे रिपोर्ट एक्सेल। तो ये जो रिपोर्ट है ये रिपोर्ट आपको दिखेगी, स्टार्ट बार तो लगा है, उसके अलावा भी फॉर्मेटिंग है ना, इसकी फॉर्मेट्स है। तो ये फॉर्मेटिंग करना इजीली मतलब कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है और काफी ज्यादा हमें हेल्प करता है। चलिए उसी बारे में बात करते हैं। तो हम आपको छोटे छोटे फॉर्मेट की ट्रिक्स बता रहे हैं, क्योंकि नॉर्मल कलर करना, बॉर्डर अप्लाई करना, इस चीज तो आपको पहले से आता है। तो चलिए हम बात करते हैं, सबसे पहले हम बात करते हैं सुपर स्क्रिप्ट और सब स्क्रिप्ट को। जैसे मुझे अगर 10 स्क्वायर लिखना हो तो कैसे लिखेंगे, या फिर मुझे अगर 10 डिग्री लिखना हो तो कैसे लिखेंगे। वो तो छोड़िए, आप जब वर्ड में जाते हैं, वह अगर मैं एमएस वर्ड खोलूं, तो वर्ड में क्या होता है कि जब कोई डेट लिखते हैं, कोई नंबर लिखते हैं, तो उसके पीछे आप पीएच लगा देते हैं या आरएसडी लगाते हैं या एनडी लगाते हैं, तो वो ऑटोमेटिकली ऊपर की तरफ मूव हो जाता है। जैसे मान लीजिए कि मैं आज यहाँ पे लिख रहा हूँ 10 और पीएच लगा के जैसे ही मैंने यहाँ पे स्पेस दिया, ऑटोमेटिकली ऊपर चला गया। ऐसे मैं यहाँ पे एनडी लगा के स्पेस मारा, यहाँ पे मैं आरडी लगा के स्पेस मारा, तो ये ऊपर चला जाता है। बट एक्सेल में ऐसा नहीं होता है। एक्सेल में आपने अगर टेंस से टीएस लगा के एंटर मारे, स्पेस मारे, तो आपका टीएस जैसा वैसा रहता है। लेकिन कभी कभी लेटेस्ट वगैरह बनाने में मुझे इस तरह से, जैसे कि मैं यहाँ पे लिख रखा हूँ 10 जुलाई 1985, अब इस तरह की डेट लिखने में मान लीजिए मैं लेटेस्ट पे डेट लिखना हो तो थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है। तो इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं सुपर स्क्रिप्ट को। हम इस पे डबल क्लिक करेंगे, सिलेक्ट करेंगे, राइट क्लिक और यहाँ फॉर्मेट पे ध्यान रखिएगा, आपको डबल क्लिक करके सिलेक्ट करना है और बिना बाहर क्लिक के उसी पे राइट क्लिक कर देना है और उतना आपका सिलेक्टेड होना चाहिए। फॉर्मेट सेल पे जब आते हैं आप, तो यहाँ आपके सामने सुपर स्क्रिप्ट दिखता है। सुपर स्क्रिप्ट पे क्लिक करके ओके कर दिया आपने तो पीएच चला गया। मैं दोबारा बताता हूं, जैसे कि 22 एमडी हमने लिख दिया, वो मैं सुबह से पीसी को कंटिन्यू चला रहा हूं सर। कौन सा मोड में आ गया,
तो यहाँ पे जैसे कि हमने लिख दिया एनडी और फिर यहाँ एनडी पे मैं डबल क्लिक किया, राइट क्लिक, फॉर्मेट से, और यहाँ पे हमने सुपरस्क्रिप्ट कर दिया, आ गया ऊपर। लेकिन क्या है, एक दो तो ठीक है, अगर मान लीजिए कि मुझे 10 डिग्री दे लिखना है और मेरे पास बहुत सारे नंबर हैं, तो अब कैसे लिखेंगे सबसे, मुझे इस पे डिग्री का सिंबल लगाना है, तो एक एक करके मुझे यहाँ पे ओ लिखना होगा, फिर इस ओ को सेलेक्ट करना होगा, राइट क्लिक करना होगा, फॉर्मेट सेल एंड सुपरस्क्रिप्ट, क्योंकि एक बार में सिलेक्ट होके नहीं होगा, क्योंकि एक करेक्टर को ही सुपरस्क्रिप्ट करता है। कैसे इसको सॉल्व करें, नहीं होगा फॉर्मेट पेंटर से नहीं होगा, नहीं सर, क्योंकि वो एक सिलेक्टेड करेक्टर पे वर्क करता है ना कि सेल पे। अगर सेल पे अप्लाई करते हैं तो पूरी की पूरी सेल पे यूज हो जाएगा, समझे सर? ओके ओके। तो इसके लिए क्या क्या करें, तो इसके लिए हम इसके बगल में ओ लिखेंगे, इसको बोलते हैं सर जुगाड़, राइट क्लिक, फॉर्मेट सेव और सुपर सेव, हो गया। लेकिन अभी भी सही नहीं दिख रहा है ना, जुगाड़ थोड़ा सा अच्छा लगता लगाना होगा। इसको सिलेक्ट करना है, सबसे पहले तो इसकी बैकग्राउंड कलर को व्हाइट कर देना है। व्हाइट करने का रीजन ये है ताकि जो पीछे का जो ग्रिडलाइन है ना, ग्रिडलाइन ना दिखे। और इसको बेटर करना चाहते हैं तो फॉर्मेट सेल पे आ जाए, बॉर्डर में आ जाए, आप बॉर्डर दे ऊपर वाला, और जो बीच का बॉर्डर होता है ना सर, उसको ना दे, फॉर्मेट सेल या इसका बॉर्डर दे, बीच का बॉर्डर जो होता है ना दे। तो अब लग रहा है सर ना कि डिग्री है सर, और बेटर अपनाना है, इसको सेलेक्ट कीजिए, इस साइड में कर दीजिए, और इसको सेलेक्ट कीजिए और इसको ऊपर की तरफ, और इस तरफ कर दीजिए। अब लग रहा है सर 3 डिग्री है, इसलिए बोला सर ये जुगाड़ है। चलिए एक और जुगाड़ दिखाते हैं आपको। अब जैसे कि मान लीजिए हम एक बार कोई यहाँ पे मेल को हम बोलता हूँ, जैसे कि आपके पास कोई सेंटेंस आपने लिख रखा है या किसी ने आपको भेजा है, अब उस सेंटेंस में कहीं प्रॉब्लम है, कोई करेक्टर, कोई सेंटेंस, कोई वर्ड या किसी तरह का पैराग्राफ में कुछ प्रॉब्लम है, तो आप कैसे इंटीमेट करेंगे कि भाई ये प्रॉब्लम है? हेलो, कैसे इंटीमेट करेंगे? आपके एक्सेल फाइल पे उसने एक फॉर्मेट बना के भेजा हुआ है और उस फॉर्मेट में मान लीजिए छोटी सी प्रॉब्लम, जैसे ये देखिए, ये मान लीजिए ना, ये हमने लिया हुआ है, ये पैराग्राफ हमने, अब इसी भी पैराग्राफ को लिखने के लिए हमने मर्ज करना होगा, सिलेक्ट एरिया कर दिया, मर्ज कर दिया, अब मैंने इस पे डबल क्लिक करके इसको पेस्ट कर दिया, पेस्ट हो गया। अब इसको यहाँ पे साइज कर देते हैं, आ गया सर। इसमें मान लीजिए कि इसमें जो स्टॉप रिसीडिंग लिखा हुआ है, मुझे इसको इसको दिखाना है कि गलत है, ये चीज यहाँ नहीं होना चाहिए, बाकी सब ठीक है। तो आप इस पर डबल क्लिक कीजिए, इस पर्टिकुलर रिसीडिंग को सिलेक्ट कीजिए, फिर इसके ऊपर राइट क्लिक, फॉर्मेट सेल, और फॉन्ट में ये होता है स्ट्राइक थ्रू। देखिए क्या लिखा हुआ है, स्ट्राइक थ्रू। स्ट्राइक थ्रू क्या करेगा, जैसे पेंसिल से बीच बीच काट देते हैं ना, पेन लेते हैं और उसको बीच बीच काट देते हैं, लाइनिंग कर देते हैं, सेम लाइनिंग का काम कर देगा। ओके, अगर आप हाईलाइट करना चाहते हैं कि भाई लाइनिंग किया हुआ ये दिखे भी, तो राइट क्लिक कीजिए, फॉर्मेट सेल में जाइए और इसका कलर ब्लैक से लेकर रेड कर दीजिए। अब बेटर है सर, लेकिन एक छोटी सी प्रॉब्लम यहां भी है। ये तो चलो हमने वर्ड पे कर लिया, अगर कोई फिगर है, जैसे मेरे पास इस तरह से हमने आपको सेल का लिस्ट दिया हुआ है, अब मुझे इसमें से कुछ सेल्स मुझे आपको लग लीजिए किसी किया या आपने चेक किया, आपको लगा कि गलत है, तो अगर आप इसको हाईलाइट करके देंगे तो हाउ कैन अंडरस्टैंड, देखेगा कि भाई ये गलत के लिए हाईलाइटेड है या फिर किसी और चीज के लिए हाईलाइटेड। जैसे मान लीजिए आपने इसको इस तरह से कलर कर दिया, रेड कलर ही कर दिया,
तो उसको कैसे पता लगेगा कि ये रेड कलर किया गया है, यहाँ पे रॉन्ग है? ऐसा तो समझ सकता है कि सर ये लोवेस्ट सेल है। कमेंट डाल देंगे, कमेंट, हाँ कमेंट, हर किसी पे कमेंट डालना पड़ेगा ना सर। ओके सर, एक है ना सर आपके क्या बोलते हैं, आपके जब फौज में थे तो एक खाना की इशारों से बात होती थी, इस तरह से ऐसे ऐसे क्या बोलते हैं उसको पता नहीं, जब आप ऑपरेशन में जाते थे तो क्या लग रहा है, हर किसी को आप बात करते थे? नहीं तो यहाँ रिपोर्ट में होता है कि आप ज्यादा कम से कम जो है क्लियर में क्लियर होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपको उसको सीखना पड़े कि हाँ ये लैंग्वेज इसका है, क्लियर होना चाहिए। आपको बताने की जरूरत ना पड़े, आपको कमेंट देने की जरूरत ना पड़े कि दिस इज द रॉन्ग वैल्यू या दिस इज द दिस टाइप ऑफ द वैल्यू। हमने क्या बोला, इजी टू अंडरस्टैंड। अब वो कमेंट पढ़ेगा, अब मेरी तरह अगर अगर राजकीय उच्च विद्यालय से पढ़ा होगा तो फिर पढ़ने के बाद उसको ट्रांसलेट करेगा क्या? तो उसके अच्छा है कि आप यहाँ कुछ इस तरह का दे दे, जैसे कि आपने पेन उठाया, जैसे पेन, आप नोट पैड से कैसे करेंगे? नोट पैड में आपके पास होगा तो आप नोट पैड में क्या करते, आपको प्रिंट आउट में मिलता तो आप क्या करते, आप सीधे लेते और इस तरह से क्रॉस कर देते ना, राउंड कर देते थे, राउंड कर देते थे, क्रॉस कर देते थे। हाँ राउंड जो हुआ तो राउंड हो गया एक्सप्रेशन मार्क, मतलब कि इसमें शक है। अगर आपने क्रॉस किया इट इज क्लियर कि ये रॉन्ग है। आपने राउंड कर दिया मतलब कि इसको चेक करो, इसमें डाउट है आपको, मतलब है सर करेक्ट। आपने क्रॉस कर दिया का मतलब है कि इट इज क्लियर कि ये गलत है। तो ये तो मैंने पेंट बोला, मेरे पास ये जूम का है इसलिए मैंने कर दिया, बट एक्सेल में हाउ कैन? तो एक्सेल में करने के लिए हम क्या करेंगे बताता हूं आपको मैं। जैसे मुझे इसको गलत करना है, इस पे हम कर्सर रखेंगे और जाएंगे हम बॉर्डर में, बॉर्डर में हम रेड कलर लेंगे और यहां से हमने इसको इस ले लिया और यहां से इसको ले लिया। हो गया सर? ओके ओके। आपके पास एक शॉर्टकट होता है F4 का, जो कि लास्ट एक्शन को रिपीट करता है। जी हाँ, F4 लास्ट एक्शन जो भी हो लास्ट एक्शन आपका उसको रिपीट करता है। क्या सर? अब बोलोगे सर अगर मान लो मुझे सही का निशान लगाना हो तो कैसे लगाए? तो उसके लिए भी आप फॉर्मेट सेल में जाएंगे और यहां से कलर, अब कलर लेना कंपल्सरी नहीं है बट कलर एक इंडिकेशन देता है, इसलिए हम ले रहे, इसको ये देंगे और यहां से इसको देंगे। समझ गया सर? अच्छा जुगाड़। बट यहां पर भी कॉल भी कॉल है सर। क्या कॉल भी कॉल है? क्योंकि आप ये लगाएंगे तो सिर्फ प्रिंटिंग पर्पज से, आप इस फिल्टर से मान लो इन फ्यूचर जो पड़ा जितने गलत है वो सब फिल्टर कर अलग निकालना है या कॉपी करना है या चेंज करना है, तो आपको फिल्टर नहीं करेगा। इसके ऊपर जो फॉर्मूला लगाना चाहते हैं वो फॉर्मूला नहीं लगेगा, क्योंकि कोई भी फॉर्मूला आपकी बॉर्डर को रीड नहीं करता है। तो मुझे यहां साइड में ऐसा कुछ आ जाए जिससे हम फॉर्मूले से भी कमेंट दे सके, जिससे हम फिल्टर भी लगा सके, कुछ भी कर सके, एनीथिंग। तो उसके लिए हम यहां कैप्स में पी को रखेंगे, पी को नीचे ड्रैग कर दीजिए और इसके ऊपर एक फॉन्ट होता है। फॉन्ट क्या होता है? आपकी टेक्स्ट की लिखावट को चेंज करता है, हैंडराइटिंग को चेंज करता है। जैसे इजिप्ट के समय जब इजिप्ट में जब पहले जो इजिप्शियन थे वो क्या करते थे, सिंबल से लिखते थे ना, तो यहां पे आपके सामने एक बाइंडिंग टू नाम का फॉन्ट होता है। सबसे लास्ट लास्ट में होगा डेडिंग टू या बाइंडिंग टू का फॉन्ट है। वो क्या करता है, कैप्स में पी को कन्वर्ट कर देता है सिक्स के निशान में और कैप्स में ओ आप लिखते हैं एक क्रॉस में कर देता है। समझ गए सर? कैप्स में अगर ओ लिखता हूं तो क्रॉस हो जाएगा। तो आगे चल के अगर आपको फिल्टर लगाना है, कुछ लगाना है या फॉर्मूला देना है तो आपके पास दो करेक्टर है ओ एंड पी, क्योंकि एक्चुअल में तो ONP ही है ना, इसमें फिल्टर नहीं, फॉन्ट ने इसकी लिखावट, इसका व्यू चेंज कर दिया है।
अरे यहाँ पे एक चीज देख लीजिएगा, किसी भी तरह का फॉर्मेटिंग आपके जस्ट विजिबिलिटी को चेंज करता है, ओरिजिनलिटी को नहीं। जो आपने टाइप किया वो तो रहेगा ही रहेगा, विजिबल चेंज हो जाएगा। जो टाइप किया वो स्टिल कहाँ दिखेगा? फॉर्मूला बार। सर कई बार टू एंड हाफ जैसे होता है, हाफ वन और उसके नीचे टू, वो हम सब बताएंगे आपको, चिंता मत कीजिए, सब्र कीजिए। वन बाय वन चलेंगे सर। ओके ओके, समझ में आ गया ना सर आपको? हाँ। अब यहाँ पे भी एक प्रॉब्लम होने की चांसेस है। अब बोलेंगे सर खाली प्रॉब्लम ही बता रहे हैं, क्या कहे सर? तो प्रॉब्लम क्या चांसेस है कि जो फॉन्ट है वो एक्सेल का पार्ट नहीं होता, वो आपका विंडो का पार्ट होता है। ऐसी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि जो विंडो आपने इंस्टॉल किया है उसमें ये बाइनिंग टू फॉन्ट ही ना हो, या हो सकता है कि इंस्टॉल करते समय एक पर्टिकुलर फाइल करप्ट हो गया। किसी भी इंस्टेंस की आपके पास बाइनिंग टू नहीं है तो आपको सबसे पहले डाउनलोड करना पड़ेगा बाइनिंग टू। अब आपकी कंपनी आपको अलाउ करती है डाउनलोड, यू कैन डाउनलोड, अगर अलाउ नहीं करती है तो कैसे करेंगे? उसका भी एक तरीका है जो कि मैंने अपने बहुत दिन पहले यूज किया था 2004 या 5 में। हमने कैप में जे को लिख दिया और हमारे पास एक ओरिएंटेशन होता है, मतलब कि मैं अपने वर्ड को अपने हिसाब से एंगल चेंज कर सकता हूँ। कहाँ से? तो अलाइनमेंट में होता है, अलाइनमेंट में, अलाइनमेंट के सामने क्लिक कीजिए, राइट क्लिक करके अलाइनमेंट में चले जाइए। ये दिखता है टेक्स्ट ओरिएंटेशन, इसको आप -45 डिग्री के एंगल पे चेंज कर दीजिए एंड ओके कीजिए। कुछ ऐसा ही दिख रहा है ना सर? कैलिबरी हाँ नहीं चाहिए, सही ठीक है। और बोले क्रॉस के लिए, तो क्रॉस के लिए एक्स तो है ही, एक्स है ही, उसे प्रॉब्लम क्या? अब यहाँ पे एक और क्वेश्चन आता है कि क्या ओरिएंटेशन का इसी तरह का सिग्नम में यूज करते हैं या फिर कोई यार रिजल्ट भी एक अच्छा सा यूज भी है? चलिए एक अच्छा सा यूज बताता हूँ मैं ओरिएंटेशन चेंज करने का। अब मैं छोटा सा डेटा यहाँ बनाता हूँ, मान लीजिए मैं एक अटेंडेंस शीट बना रहा हूँ, मैं अगस्त का ही बना लेता हूँ और अगस्त के सारे डेट्स हमने यहाँ पे दे दिए। और सेलेक्ट करके डबल क्लिक किया ये हट गया। हाँ, और यहाँ पे हम नेम भी दे देता हूँ थोड़ा सा, पूजा, और प्रेजेंट दे देता हूँ पी। सिंपल सा डेटा बना, मैं कंट्रोल डी कंट्रोल आर करूंगा तो फिल हो जाएगा पूरा, या कॉपी पेस्ट कर लीजिए, कंट्रोल डी कंट्रोल आर, कंट्रोल डी से डाउन, आर से राइट, फिल राइट। अब मेरे पास ये डेटा है, अब मुझे इसको प्रिंट करना है। क्या करना है? प्रिंट करना है। तो क्या लग रहा है कि प्रिंट एक पेज से हो जाएगा? ये मैंने क्या किया कि इसको पोर्ट्रेट, इसको ओरिएंटेशन लैंडस्केप कर दिया, इसका नॉर्मल मार्जिन, इसको नैरो मार्जिन कर दिया, फिर भी ये 13 अगस्त तक ही आया। अब मैं पूरा इसको फिट टू वन पेज करूंगा तो ये तो दिखेगा ही नहीं सर, दिख रहा है सर? काफी छोटा हो गया, तो नॉइज स्केलिंग कर देता हूँ। तो मैं जैसे देख पा रहा हूँ कि मेरा मैटर बहुत छोटा है, मेरा हेडिंग बड़ा है। तो मैं क्या किया कि हेडिंग को सिलेक्ट किया वर्टिकल और इसके ऊपर राइट क्लिक किया फॉर्मेट से, और यहां से भी कर सकता हूँ या फिर यहां भी होता है रैप टेक्स्ट अप, यहां से मैंने रोटेट टेक्स्ट अप, और उसके बाद पूरी सीट को वन और वन के ओए के बीच में पूरी सीट को मैंने सिलेक्ट कर लिया और इस पे मैंने डबल क्लिक किया। डबल क्लिक करते ही क्या हो गया? छोटा ऑटो फिट हो गया। अब मैं इसको प्रेजेंट करता हूं तो मेरा पूरा डेट आ रहा है और प्रिंट भी आ रहा है। क्या बोलना सर?
एक पेज प्रिंट आ जाएगा ना अब। तो कहने का मतलब है कि रिसोर्सेज को कहाँ इस्तेमाल करना है ये आज जब रिसोर्सेज की पूरी बेसिक में आप जानेंगे तो भी समझ पाएंगे आप। ओके गुड, और किसी को डाउट है इसमें? ओके बाद यहाँ पे छोटी मोटी चीजें हैं जैसे रैप टेक्स, इसलिए मैं यहाँ पे नाम देता हूँ, मैं लिखता हूँ सुजीत कुमार करता हूँ, तो ये आगे चला गया तो हम लोग क्या करते हैं रैप करते तो नीचे टूटता जाता है, लेकिन रैप मैं चाहता हूँ मेरे हिसाब से, मैं टाइप करते समय रैप करना चाहता हूँ तो ऑल्ट एंटर प्रेस कर लीजिए आप नीचे आ जाएगा। ऑल्ट एंटर, ऑल्ट एंटर, ठीक है। लेकिन क्या होता है ये रैप जब हम करते हैं तो ये हमारा कॉलम का साइज बढ़ जाता है, तो रो का साइज बढ़ जाता है, तो एक तो डबल क्लिक होता है जिसको बोलते हैं ऑटो फिट, आपने इसको ऑटो फिट कर दिया तो कॉलम का साइज आपके टेक्स्ट के अकॉर्डिंग बढ़ जाएगा, लेकिन अगर आप करते हैं रैप टेक्स्ट तो रो की हाइट बढ़ जाएगी। मैं चाहता हूं कुछ ना बढ़े, वो जितना बड़ा कॉलम की साइज है उतने बड़े कॉलम की साइज में टेक्स्ट जो है वो ट्रिम हो जाए, तो उसके लिए हमारे पास अलाइनमेंट में श्रिंक टू फिट होता है, श्रिंक टू फिट, ओके कीजिए, हो गया सर। अब मैं कॉलम बड़ा करूंगा तो बड़ा हो जाएगा, छोटा करूंगा छोटा हो जाएगा, तो बड़ा कहां तक जाएगा? अपनी ओरिजिनल साइज पर, ऐसा नहीं कि आपने खूब बड़ा कर दिया तो बहुत बड़ा हो जाएगा, नहीं, ओरिजिनल साइज। दूसरा हम बात करते हैं मर्ज की, जैसे आपने देखा कि मुझे एक लंबा शब्द लिखना था, हमने इसको सेल को पकड़ के मर्ज कर दिया, तो आप कई सारे सेल को मर्ज करके एक बड़ा सेल बना सकते हैं, लेकिन यहाँ पे एक आता है मर्ज क्रॉस। मर्ज क्रॉस जब करते हैं तो सिर्फ आपका मर्ज होता है कॉलम न कि रो, ठीक है, आपको वन बाय वन इस तरह से मर्ज क्रॉस करते हैं। अब इसमें अगला टॉपिक जो आता है वो आता है नंबर फॉर्मेट, बट नंबर फॉर्मेट हम आपको कल की क्लास में कवर करेंगे क्योंकि टाइम यहाँ हो चुका है। लेकिन आपने पूछा है ना सर, अब जो ये होते हैं पॉइंट्स जो होते हैं फ्रैक्शन की बात कर रहे हैं ना आप, जैसे 3.5 कर दिया तो 3.12 आ जाए, ये बोल रहे ना आप, वो आपके नंबर फॉर्मेट के फ्रैक्शन में होता है, देखिए आप लेबल कर दिया, ओके आ गया सर, ठीक है। अब वो मैथमेटिक्स की तरह नहीं होगा कि यहाँ पे 3 होगा फिर साइड में इस तरह से 1-2 होगा, जिसका फॉर्मेट है उस फॉर्मेट में आएगा, ठीक, ओके, थैंक यू। अब इससे आप लोग रिसर्च कीजिए, मुझे कुछ अच्छा सा फॉर्मेट बना के दीजिए, फिर हम कल बात करेंगे नंबर फॉर्मेट। अब नंबर फॉर्मेट में आज नहीं पढ़ा रहा हूँ इसलिए क्योंकि नंबर फॉर्मेट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए टाइम देना होगा। अब दोनों चीजें मैं एक दिन पढ़ा दूंगा तो थोड़ा सा आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि किसको प्रेफरेंस दें। तो आज की जो टॉपिक है वो ट्रिक्स के ऊपर है, उसकी प्रैक्टिस कर लीजिए, फिर कल हम बात करेंगे आपके साथ नंबर फॉर्मेट की, और नंबर फॉर्मेट को हम आपके साथ डिटेल में पढ़ाएंगे, ओके ओके, मिलते हैं कल, कल सेम टाइम, ओके, थैंक यू, बाय बाय।